हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज की वीडियो बिल्कुल ही हटके और बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पर है। अभी तक की मैं अपनी सारी वीडियोस के अंदर ये समझाते हुए आया था कि ये शूज कितने का है, इस शूज की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, इस शूज का कम्फर्ट कैसा है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शूज हैं, फुटबॉल शूज हैं, वो कौन से टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ यूज करे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है हंस गुप्ता, मैं बनाता हूं फुटबॉल कंटेंट। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फुटबॉल शूज, देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज फुटबॉल स्टड्स, सेकेंड इज फुटबॉल ट्रेनर्स, एंड थर्ड इज फुटसाल शूज। तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे सेम क्वेश्चन लोगों से पूछा था कि क्या आपको फुटबॉल ट्रेनर्स और फुटसाल ट्रेनर्स में डिफरेंस पता है। बट आई वॉज रियली शॉक टू सी कि मेजोरिटी ऑफ पीपल वॉजंट नोइंग कि यार ये चीज सेम ही तो होती है, दे वर लाइक इसमें न्यू क्या है। तो इसी चीज को बताने के लिए आज मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, जिससे आप लोगों को एक बींग अ फुटबॉलर आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर कि हाँ हम किस टाइप के जूते खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं और हमें इनको कहाँ यूज करना है। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज समझा दूं कि जो मैंने आज वीडियो बनाई है इसके बारे में जब आप पूरा देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो हमें पता ही था, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता। जब मैंने अभी रिसेंटली स्टोरी डाली जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो यार मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वॉजेंट नोइंग कि फुटसाल ट्रेनर्स अलग होते हैं, नॉन मार्किंग शूज नाम की भी कोई चीज होती है, एंड सिर्फ वो बैडमिंटन में नहीं, वो फुटबॉल में भी यूज होती है, वो फुटसाल में भी यूज होती है, ठीक है। तो यार आपके जो भी दोस्त हैं जो शूज लेने वाले हैं या जो आपसे शूज की चॉइस पूछते हैं, उनका आप ये वीडियो बिल्कुल शेयर कर सकते हो। पूरा इस वीडियो को देखो एंड तक, और आप उनको बिल्कुल शेयर कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि भाई पहले डिफरेंस देख ले, तेरे को कहाँ खेलना है, तेरे को कहाँ के लिए शूज लेने हैं, एंड देन मेक अ वाइज चॉइस। और आज हम बात कर रहे हैं फुटबॉल स्टड्स की। तो फुटबॉल स्टड्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता है ये होते हैं गट्टे, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। जब तक आप बिल्कुल ही महंगे जूते नहीं खरीद रहे हो जिसमें नीचे फाइबर ग्लास और सब कुछ दिया हुआ होता है। उसके अलावा बात करी जाए तो सस्ते जूतों के नीचे होता है प्लास्टिक लगा हुआ। ये जूते किस लिए होते हैं? आपने अपने हमेशा शूज के आगे पढ़ा होगा जो भी आप जूते खरीद रहे होते हो, एफ जी वर्ड, फर्म ग्राउंड। इफ आई से सेगा माइक्रो, तो सेगा माइक्रो फर्म ग्राउंड, ठीक है। फर्म ग्राउंड का मतलब होता है दैट इट इज नॉट वेरी हार्ड, इट इज नॉट वेरी वेट ग्राउंड, नॉर्मल ग्राउंड के लिए, ग्रासी ग्राउंड कह लो, गीली मिट्टी का ग्राउंड कह लो। वहां पर जो स्टड्स होते हैं, जितने भी स्टड्स होते हैं दुनिया के अंदर, वो सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन उनकी वही होती है कि वो फर्म ग्राउंड में चलते हैं। ऑल दो इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राउंड्स है, आप लोग बहुत तरह तरह की जगहों पे खेलते होंगे, तो उसलिए स्टड्स यूज किए जाते हैं कि या तो फर्म ग्राउंड हो या फिर ठीक है मिट्टी वाला सर्फेस हो तो भी चल जाता है, या ग्रासी हो तो स्टड्स इज बेस्ट। अब आप लोग ये बोलोगे कि यार आपने एफ जी के अंदर फॉर्म ग्राउंड मेंशन किया, बट आपने यहाँ पर टर्फ क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि आजकल तो सारे लोग टर्फ पे जाके खेलते हैं। सी, हमें नॉलेज है फुटबॉल के बारे में, हम स्टड्स पहन के भी टर्फ पे खेल लेते हैं, बट द आइडियल शू जो भाई बड़ी बड़ी कंपनीज बना रही है, इट इज फुटबॉल ट्रेनर्स। फुटबॉल ट्रेनर्स के हमेशा जब भी हम बाय करते हैं या तो वहां पर लिखा होता है एजिलिटी शूज या फिर लिखा होता है ए जी। ए जी स्टैंड फॉर एस्ट्रो ग्राउंड, एस्ट्रो मतलब आर्टिफिशियल ग्रास ग्राउंड होते हैं, उनके लिए ट्रेनर्स को बनाया जाता है। जब आप ट्रेनर्स का एक क्लोज लुक लेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये एक रबर सोल है। फुटबॉल स्टड्स में हमने देखा था कि यहाँ पर हम नीचे प्लास्टिक का सोल लगाते हैं, ये प्लास्टिक सोल होता है, ठीक है। तो आपको ग्राउंड के अंदर ढसना सब कुछ ये चीज में हेल्प करता है, प्लस टर्निंग और मूवमेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा स्टड हेल्प करता है ग्रिपिंग में। बट वेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल ग्रास, तो आर्टिफिशियल ग्रास के अंदर सबसे आइडियल शू जो बोला जाता है दैट इज फुटबॉल ट्रेनर्स। ये किप्चा के ट्रेनर्स हैं, इनके बारे में भी ऊपर टैग है, मेरी वीडियो गिवन है, उसके अंदर आपको इनके बारे में, इनकी प्राइसिंग से लेके कंफर्ट ड्यूरेबिलिटी सबके बारे में पता चल जाएगा। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि यार डिफरेंस क्या है, मतलब टर्फ पे स्टड्स तो चल जाते हैं ना। सी, चल जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे मेजर जो इंजरीज होती हैं लोगों को, वो ज्यादा से ज्यादा स्टड्स जिसने पहन रखे हैं उसको ज्यादा जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो जूता होता है वो आर्टिफिशियल ग्रास में ठस जाता है, ठसने की वजह से आपका एंकल लॉक हो सकता है, आपका पैर रुक सकता है और आप मुंह के बल आगे गिरोगे, ठीक है। इसलिए ही फुटबॉल ट्रेनर्स को बनाया गया। और फुटबॉल ट्रेनर्स और स्टड्स में डिफरेंस ये है कि ये एक रबड़ सोल है, जो आपका रबड़ होता है ना वो एक्स्ट्रा ग्रिपिंग प्रोवाइड कराता है किसी भी आर्टिफिशियल मटेरियल के साथ, ठीक है। प्लस इसके नीचे स्टड्स नहीं निकले हुए, छोटे 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 बहुत सारे डॉट्स हैं, ये ही आपके सरफेस एरिया इंक्रीज करके आपको बेटर ग्रिप प्रोवाइड कराएंगे टू दी आर्टिफिशियल ग्रास। अब हम बात कर रहे हैं फाइनली जिस पे मैंने वीडियो मेनली बनाई है, वो है फुटसाल शूज। फुटसाल शूज डिफरेंट होते हैं, ट्रस्ट मी इट इज वेरी डिफरेंट। हाउ? नाउ आई विल टेल यू। सी, इसके नीचे का आप सरफेस देख पा रहे हो, एक तो प्लेन रबर सरफेस विद द मिनिमम टेक्सचर, ठीक है।
डिकैथलॉन पे इसकी प्राइसिंग 990 है। ड्यूरेबिलिटी कंफर्ट के बारे में फिर टेल काफी काफी ज्यादा बढ़िया जूते हैं। बट नाउ द थिंग इज कि ये शूज चलते कहां पर हैं। इफ यू नो अबाउट फुटसाल यू शुड बी नोइंग कि फुटसाल हमेशा इंडोर ग्राउंड्स पे खेला जाता है, सीमेंटेड हो, वुडन कोर्ट हो और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, फुटसाल की बॉल भी डिफरेंट होती है जिसका वेट भी फुटबॉल से कम होता है, साइज भी फुटबॉल से कम होता है, प्लस उसका बाउंस भी 60% नॉर्मल फुटबॉल से कम होता है। वुडन सर्फेसिस के लिए ये जूते क्यों बनाए गए एंड वाई नॉट ट्रेनर्स? क्योंकि इन जूतों के नीचे पहली बात आप देख पा रहे हो प्लेन सर्फेस है, प्लस ये रबड़ नॉर्मल ट्रेनर्स से डिफरेंट होती है। सेकेंड थिंग, ये जो रबड़ होती है, इस रबड़ का आप देख रहे हो जैसे ये प्लेन सर्फेस है, ये ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड कर पा रहा है टू द हॉरिजॉन्टल सर्फेस। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा ग्रिप प्रोवाइड करेगा जब भी आप वुडन सर्फेसिस पे खेलोगे, और जहां भी आप एक अच्छे स्टेडियम में जाके खेलोगे वुडन सर्फेसिस पे इंडोर फुटबॉल खेलोगे, आपको वहां पर एक चिपकन फील होगी कि हाँ यार इस सर्फेस पे चिपकन है। क्यों? वो चिपकन इसलिए होती है क्योंकि ये रबड़ उससे ज्यादा इजीली स्टिक हो पाती है और आपकी मूवमेंट ज्यादा स्टेबल हो पाती है, आप एक बैलेंस मूवमेंट के साथ फुटबॉल फुटसाल को खेल पाते हो। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी आएगा कि यार नॉन मार्किंग तो दोनों ही है, तो डिफरेंस क्या हुआ? नॉन मार्किंग दोनों हैं, लेकिन वुडन सर्फेसिस पे दिस विल बी द आइडियल शू। व्हाई? क्योंकि पहली चीज तो प्लेन सरफेस होने की वजह से जो आपका फुटसाल ट्रेनर है वो वुडन सरफेस को खराब नहीं करेगा। इन कंपैरिजन जब हम बात करेंगे फुटबॉल ट्रेनर्स के बारे में, तो ये डॉट्स और ये समथिंग जब भी आप एक मूवमेंट लोगे, कुछ ना कुछ करोगे, तो ये सोल जो है ये उस वुडन सरफेस को या उस सीमेंट सरफेस को खराब करने के ज्यादा चांसेस रखता है। वहां के जो लिक्विड, एक लिक्विड आपको जो वुडन सरफेस के ऊपर डला हुआ होता है उसको उखाड़ेगा, उसको निकालेगा। ठीक है, तो एक तो सरफेस खराब होता है, इसलिए 100% प्रेफर होता है कि आप नॉन मार्किंग शूज पहने, विच इज फुटसाल इंडोर्स। ठीक है, सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। आई नो ये वीडियो शॉर्ट थी, क्रिस्प थी, बट टू द राइट नॉलेज एक फुटबॉलर को पता होना चाहिए कि शूज किस लिए बने हैं, कंपनीज ने क्यों बनाए हैं। वो बेवकूफ नहीं है जो नॉन मार्किंग शूज बना रहे हैं, जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन मार्किंग फुटबॉल ट्रेनर्स एंड फुटसाल ट्रेनर्स बना रहे हैं, जो स्टड्स बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, कब कहां पर क्या पहनना है, जिससे हम अपने इंजरीज को मैक्सिमम रोक सकें। एंड जैसा मैंने कहा था, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, उनको शेयर करें जो भी नए जूते लेने वाले हैं, या अगर आपके भी इसमें से डाउट्स क्लियर हुए हो तो मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो मुझे किस बारे में बनानी चाहिए ये भी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।